खबर गोंडा जिले से है, जहां पर दीपावली के दूसरे दिन यानी सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। शहर में कई जगह पीपल के पेड़ के नीचे आज सुबह ही महिलाओं की भीड़ देखी गई, जिसमें कुछ महिलाएं जिससे बात किया गया तो उन्होंने बताया कि सोमवारी अमावस्या के दिन सुबह 4 बजे उठकर स्नान किया जाता है। सभी महिलाएं, हिंदू धर्म में मान्यता है कि पीपल के पेड़ के नीचे विधि विधान से पूजा की जाती है। 113 बार पीपल के पेड़ का चक्कर लगाकर परिक्रमा किया जाता है। वहीं कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि सदा सुहागन रहने के लिए पति की लंबी उम्र की ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। इसी को लेकर पुरानी मान्यता है कि पीपल के पेड़ के नीचे महिलाएं मेकअप का सामान, सिंदूर, टिकुली, बिंदी का फूल, मिठाई पूजा में इस्तेमाल करती हैं। यहां तक कि मान्यता है कि सूर्य उदय होने के बाद पूजा नहीं की जा सकती है। सोमवार चंद्र को समर्पित दिन है, इसलिए इसी दिन ये पूजा की जाती है। इस खबर में बस इतना ही। क्या नाम है आपका? किस चीज़ की पूजा करती है पीपल पेड़ नीचे आज सुबह सुबह? इसमें क्या मान्यता है? कितनी बार आप परिक्रमा करती हैं? क्या क्या सामग्री इसमें पूजा में लगती है? सारे सुहाग के सामान आते हैं, मेकअप वगैरह, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, फल फूल भी रहता है इसमें। आप क्या हैं इसकी? यहाँ हम पूजा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विमला जी। ये बताइए, आज आपके मंदिर में पीपल पेड़ नीचे क्या पूजा महिलाएं कर रही हैं? महिलाएं इसलिए कर रही हैं बेटा, ये उस जमाने में एक भवन थी तो उसका अहवाद कम था, अहवाद कम था तो उसने गया पंडित जी के पास तो कहा कि हमारा अहवाद कम है, तो वो कहे कि जाइए आप किसी भक्त के, ब्राह्मण की सेवा करिए। उसके बाद पीपल का परिक्रमा करिए, 113 होता है, 7 गौरी के होते हैं, तो इसीलिए तब से होते हैं ये अमावस्या, सोमवारी अमावस्या पड़ेगी तो जरूर फेरी होंगे। ये दीपावली के बाद